दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग इमेज को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने नाम और अपने फेस के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको विंग AI ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एप्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको इमेज क्रिएट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको इंटर शो करेगा। सिंपल से यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड करूंगा, वो टेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपल से आप वहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड किया दोस्तों। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पर पहले दोस्तों यहाँ से आपको अपना नाम को ऐड कर लेना है। आपका जो भी नाम हो सिंपल से आप ऐड कर लीजिएगा। फेसबुक के प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पर इमेज को क्रिएट करूंगा। आप यहाँ पर यूट्यूब भी ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं इमेज जनरेट होके आ चुका है। सिंपल से दोस्तों आपको जो भी इमेज अच्छा लगे सिंपल से दोस्तों उस पर आपको क्लिक करके सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ जो देख रहे हैं ये फेसबुक का पेज है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम का दोस्तों तो सिंपल से यहाँ पर जो आपको फेसबुक दिख रहा है यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम कर देता हूँ। इंस्टाग्राम करने के बाद दोस्तों नीचे भी आपको आना होगा स्क्रॉल करते हुए और दोस्तों एक जगह आपको और इंस्टाग्राम करना होगा। यहाँ पर ही देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इंस्टाग्राम कर देना है। तो दोस्तों ऐसे ऐड करने के बाद दोस्तों आपको फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर ही देख सकते हैं आपकी जो पेज आया है आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको दिया है दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों मैं इसमें अपना फेस को स्वाइप करने के लिए बताऊंगा कि इसको फेस को कैसे स्वाइप किया जाता है। सिंपल से सबसे पहले एक इमेज को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो उस पर क्लिक करके सिंपल से आपको थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करके सिंपल से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपका गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपल सा बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको गूगल को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च बार में आना और यहाँ पर सर्च कर देना है रीमेकर AI। सर्च करिएगा फर्स्ट में आपको शो कर देगा रीमेकर AI। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं फेस स्वाइप नाउ। तो सिंपल से दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक करिएगा दोस्तों। कुछ इस तरह का आपको इंटर शो करेगा। तो सिंपल से आपको स्वाइप फेस पर ही रहने देना है। तो यहाँ पर ही अपलोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना है और जो इमेज को आप डाउनलोड किए थे दोस्तों सिंपल सा उस इमेज को आपको यहाँ से गैलरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उस इमेज को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद अपलोड स्वाइप इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और जिसका भी फेस ऐड करना चाहते हैं सिंपल सा उसको ऐड कर दीजिएगा पिक। ऐड करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको स्वाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ऋतिक रोशन का जो यहाँ पर था दोस्त फेस ऐड हो चुका है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल सा आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको इसे ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों इसे आप जूम भी करके देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन का फेस ऐड हुआ कि नहीं दोस्तों। तो आप बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ही ऋतिक रोशन का फेस ऐड हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी तरह से आप अपने फेस को ऐड कर सकते हैं इमेज को क्रिएट करके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।